Yes, a very good morning to all of you. Please start your videos so that I can see your faces. Am I audible, everybody? Okay, students. Okay, got it. Thank you. Let us start. Students, yesterday we started with the time. Hopefully, sabko samajh mein aaya. This इस तरह से कुछ हमने कल पेंडुलम देखा था. होपफुली यू कैन सी दिस टूडे ऑल्सो, राइट? कुछ इस तरह का सीन था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? तो आज भी हम पेंडुलम लाए हैं. इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, लाइक दिस. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन करेंगे हम. लेंथ क्या होती है पेंडुलम की? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम? यहां से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के मिडल तक जो थ्रेड की लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, राइट? इस तरह आपको मैं बता देती हूं. दिस इज बॉब, दिस इज थ्रेड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग हार्ड थिंग, रिजिड थिंग ऑन विच इट इज सस्पेंडेड. तो यहां से लेके यहां तक इट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी के जो थ्रेड की लेंथ है, राइट? इज दिस क्लियर? देन हमने करा मीन पोजीशन. मीन पोजीशन इज द पोजीशन व्हेन बॉब इज एट रेस्ट. ये पोजीशन मीन पोजीशन होगी. यही करा था हमने जब बॉब रेस्ट पे है. नाउ एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? बॉब इधर को गया बी, देन बॉब घूम के इधर को आया, दिस इज सी. बी और सी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, राइट? ये हमने करा था, क्लियर? ये ऐसे घूमा ना, इस तरह से, राइट? ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं बी एंड सी. इतना हमने करा था. फिर हमने करा ऑसिलेशंस क्या होती हैं. एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन बॉब की. फॉर एग्जांपल, मीन पोजीशन पे है बॉब, यहां से बी तक लेके आए, यहाँ पे छोड़ा हमने, यहां से लेके बॉब सी तक गया, देन इट कम बैक टू ए अगेन. दिस पोजीशन, दिस इज नोन एज, दिस टाइम पीरियड, ए कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन. गॉट इट? ऑसिलेशन क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट टर्म जो आज हमने स्टार्ट करनी है, न्यू टर्म फॉर यू, दैट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब. यू कैन राइट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ. ये जी मैक्सिमम जिस जगह तक आ रहा है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एम आई क्लियर? दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ये मैक्सिमम जिस पोजीशन पे जा रहा है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. लिखिए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एग्जाम्पल क्या दे रही हूं मैं इस फिगर में? ए बी या ए सी,
ए बी या ए सी, इनको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जिस एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम होता है दैट इज द एम्पलीट्यूड। गॉट इट? आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशन, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, जस्ट द वर्ड इज मेंशनड। तो क्या होता है एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड। आई एम नॉट पॉज हरजीत, आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग, देयर मे बी सम नेटवर्क एरर्स, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डन हो गया, एम्पलीट्यूड डन हो गया। देन नेक्स्ट कम्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? इसके बेस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे से लिखना डेफिनेशन। द टाइम टेकन बाय बॉब, यस लक्षित, एनी डाउट बेटे? मैम एक बार एम्पलीट्यूड दोबारा बता दो। यस लक्षित, आई एम स्पीकिंग। ओके बेटा, पहले एम्पलीट्यूड एक बार चेक कर लो, दोबारा बताती हूँ टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों में से किसी भी साइड पे हो सकता है। ये देखो, ये है, ये मैंने छोड़ दिया, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दोनों साइड्स पे, मीन्स एक्सट्रीम तक, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, राइट? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। लक्षित ओके बेटा? लक्षित इज दिस ओके? शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके गॉट इट। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कितना टाइम एक ऑसिलेशन लेती है? फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, मैं इसको लेके आई यहाँ पे, यहां से छोड़ दिया, ये यहाँ पे, यहां तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेती है? दैट इज वन ऑसी, दैट इज टाइम पीरियड। क्लियर? द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन is called time period. Time period को हम कैसे denote करते हैं? T. Time period T. Frequency, हमने frequency करी, next आ गया frequency. After time period is frequency. क्या होती है frequency? What is frequency? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, लिखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में पेंडुलम ने कितनी ऑसिलेशंस करी? दैट इज फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? एक सेकेंड हुआ है एंड अबाउट 3 to 4 ऑसिलेशंस हो गई हैं, राइट? देखिए मैं दोबारा से बता रही हूं फ्रीक्वेंसी क्या है। यस प्रेरणा, वेट, सी ये देखिए, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हुई? दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, लिखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में पेंडुलम ने कितनी ऑसिलेशन करी? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम in one second is called frequency. Frequency is denoted by F. F से denote करते हैं हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट हर्षिया, ठीक है।
चलिए अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये लिख लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं, अपनी कॉपी पे साथ में नोट कर लो, पहले स्टेटमेंट नोट करो। अ सिंपल पेंडुलम, नोट करो फटाफट, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स takes 32 seconds to complete 20 oscillations. एक पेंडुलम है वो 20 oscillations complete करने के लिए 32 seconds ले रहा है. What is the time period? Time period क्या है उसका? Time period क्या था? एक oscillation को कितना time लगता है? तो हम क्या करेंगे? I am repeating the statement again. A simple pendulum, numerical है ये, takes 32 seconds. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. Right? What is the time period of this pendulum? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ नित्या मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। हाँ जी करें। अब ये कैसे सॉल्व करना है साम? टाइम टेकन फॉर 20 सेकेंड्स, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस को कितना टाइम लगा? 32 सेकेंड्स, यही है हमारा। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस 32 सेकेंड। अब हमने टाइम फाइंड करना है वन ऑसिलेशन के लिए, क्या है टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन? इज इक्वल टू 32/20, राइट? इसको आप सॉल्व कर लो, 10/16, गॉट इट? देन 16 आ गया तो इट इज 1.6 seconds, क्योंकि टाइम है हम सेकेंड्स में मेंशन करते हैं, 1.6 seconds. Got it? Is this clear? सॉल्व हो गया ये? इस तरह के आपको समझ आ सकते हैं? यस साची, यू कैन नोट डाउन, नो प्रॉब्लम। इसके बाद स्पीड स्टार्ट करनी है हमने, इसको फटाफट से कर लो, मोशन के बाद स्पीड स्टार्ट हो जाएगी। आज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दूंगी आज स्पीड का, ठीक है? उसके बाद कल हम न्यूमेरिकल्स, मोस्ट प्रोबेबली कल न्यूमेरिकल्स तक पहुंच जाएंगे, राइट? हाँ जी, डन। आगे बढ़े, आगे आ गए। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है? ये सिंपल पेंडुलम हमने कर लिया। अब हाउ टू मेजर टाइम nowadays? Nowadays यू पीपल हैव वॉचेस, क्लॉक्स, ज्यादातर आप क्वार्ट्स की वॉचेस यूज करते हो। आपने देखा होगा आपकी क्लॉक्स पे ये लिखा होता है बहुत बार, क्वार्ट्स। हाँ बानी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन रिपीट करती हूँ बेटा, लिखो। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन
कितना टाइम बॉब ने लिया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. गॉट इट? इज दिस क्लियर? चलिए, डन. नाउ आई वॉज टेलिंग यू, नाउ अ डेज यू माइट हैव सीन वॉचेस ऑन विच इट इज रिटन क्वार्ट्स. एक्चुअली ये क्या है, ये जो क्लॉक्स और वॉचेस हैं, इनके अंदर क्वार्ट्स नाम का एक क्रिस्टल होता है, एक पीस होता है. क्वार्ट्स की ये प्रॉपर्टी है, क्वार्ट्स नाम के इस क्रिस्टल की, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी के वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है जब थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. ठीक है, इसी को ध्यान में रख के उन्होंने वॉच बनाई. ठीक है, आगे जो पुरानी वॉचेस होती थी उसमें क्या होता था, ये पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बेस पे वो चलती थी. आजकल ये वाला सिस्टम खत्म हो गया है, पेंडुलम वाला. आजकल जो वॉचेस आ रही हैं उनमें क्या है, क्वार्ट्स होता है. ठीक है, ये जो टाइम क्वार्ट्स से आता है, क्वार्ट्स क्रिस्टल से, ये जो इलेक्ट्रिक क्या होता है, क्वार्ट्स क्रिस्टल और इलेक्ट्रिक सेल दोनों का एक सर्किट बनाया होता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया होता है उसको, थोड़ा सा सेल डला होता है ना वॉचेस में, उसका एक सर्किट बनाया होता है, उससे थोड़ा सा करंट पास किया जाता है जिससे वो ऑसिलेशन करता है, और उस ऑसिलेशन की वजह से आपकी जो घड़ी है, जो हैंड्स है उसके, वो मूव करती है. राइट, जो इससे टाइम आता है दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय दिस ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम. राइट, और आजकल स्टॉप वॉचेस चल रही हैं. स्टॉप वॉचेस में क्या है, आप जहां पे मर्जी उसको बंद कर दो. ज्यादातर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये यूज होती हैं, टू सी एथलीट कितना रन किया, कितने टाइम पे क्या किया. सो दीज आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन्स. राइट, क्लियर. इसके अलावा आजकल डिजिटल वॉचेस आ गई हैं, दैट यू ऑल नो, जिन पे सीधा टाइम लिखा आ जाता है. ठीक है, कंप्यूटराइज वॉचेस आ जाती हैं, उनमें कोई ऐसे हैंड्स नहीं होते, आर, मिनट, सेकंड वाला. इसके अलावा वो सीधा क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं टाइम को. राइट, और अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो एटॉमिक क्लॉक्स आई हैं, एटॉमिक क्लॉक्स. एटॉमिक क्लॉक्स में क्या होता है, एटम्स होते हैं, जो एटम्स की वाइब्रेशन के बेस पे घड़ी चलती है. दे आर द मोस्ट एक्यूरेट. राइट, इज दिस क्लियर. उसके बाद आ गए, टाइमर लगा होता है कईयों में, आपने देखा होगा कईयों कई चीजों में टाइमर लगा होता है. राइट, जैसे कि आपके माइक्रोवेव में, कुकिंग यूटेंसिल्स में लगा होता है, वॉशिंग मशीन में लगा होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में टाइमर होता है. ये क्या होता है, ये टाइमर जो है एक इवेंट को कंट्रोल करता है, कितनी देर बाद ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा. जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये लाइट्स होती हैं, कितनी देर बाद ये रेड दोबारा होएगी, तो ये कंट्रोल करता है टाइमर. ओके, क्लियर. इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट. अब आगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टाइम. यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट्स यू ऑल नो क्या होते हैं. लास्ट टॉपिक है ये टाइम का, करें स्टार्ट. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड एज एस. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड इज डिनोटेड एज एस. गॉट इट? देन उसके बाद जो लार्जर यूनिट्स हैं टाइम के, दे आर मिनट एंड आर. लार्जर यूनिट्स क्या है, मिनट एंड आर. किस तरह से इनकी कन्वर्जन होती है, 1 मिनट, नोट करना है तो कर लो फटाफट, वैसे आपको आता ही है. 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 hour 60 minutes, 1 hour 60 minutes, 1 day 24 hours, 1 month, 1 month में कितने होते हैं, 30 days generally, 30 या 31 days. राइट, उसके बाद 1 year,
12 मंथ्स. ओके जी. उसके बाद 10 इयर्स. 10 इयर्स क्या होते हैं? 1 डेकेड. एक डेकेड होता है 10 सालों का. एक डेकेड होता है 10 इयर्स का. 1 डेकेड ठीक है. 100 इयर्स का 1 सेंचुरी. सेंचुरी 1000 इयर्स का 1 मिलेनियम. 1 मिलेनियम ये यूनिट्स होते हैं. अब आप जब भी कभी किसी चीज को आपने यूनिट्स में बताना हो, टाइम को बताना हो, यू मस्ट नो कौन सा यूनिट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी एज बतानी है तो इट इज रॉन्ग टू टेल यूर एज इन सेकेंड्स और इन डेज, इवन इन मंथ्स. यू हैव टू टेल यूर एज इन ईयर्स. राइट? क्लियर? और अगर आपको अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस बताना है तो यू विल यूज, स्कूल तक पहुंचने का टाइम कितना लगता है वो बताना है तो यू विल यूज मिनट्स और सेकेंड्स अकॉर्डिंगली, नॉट डेज पॉइंटों में, नॉट ईयर्स, नॉट आवर्स. तो यू शुड नो कौन सा यूनिट स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, ताकि अकॉर्डिंगली यू कैन टेल द राइट टाइम. Is this clear? Is this clear? Any doubt up to this? If not, I will move to the next topic, that is motion. 1000 years are equal to 1 millennium, Nitya. 1000 years are equal to 1 millennium. Yes, Rishita. Haan ji, boliye bete. Yes. मैम जो आपने एटॉमिक क्लॉक का समझाया था ना एटम्स का. हाँ, मैं बताती हूँ क्या है. मैम वो एटॉमिक क्लॉक. यस यस यस. नित्या, मिलेनियम के स्पेलिंग है MILLENIUM. एटॉमिक क्लॉक का बता रही हूँ जी. एटॉमिक क्लॉक क्या है? एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं. उनकी वाइब्रेशन के बेस पे क्लॉक्स बनाई गई हैं, दैट आर एटॉमिक क्लॉक्स. क्योंकि एटम्स की वाइब्रेशन हम नोट कर रहे हैं तो दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइम. क्लियर है? जस्ट इतना ही है फॉर योर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. This is done. उसके बाद हमारा next topic है motion, that we are going to start now. Shall I start motion? If you want to note, you can. Hurry up. I'm going to after this. Yes, Jashan, I am on side, beta. मैं side पे ही हूँ. You can note down. करूँ इसको इरेज? Shall I erase this? Or still you are doing? Okay, okay, Harshia. Yes, beta. Now our next topic that we are going to start today, time is finished here. Numericals aate hain iske based, jaise ye maine frequency time ke karwai. Theek hai? Haan ji. Ab aa gaya motion. Motion kya hota hai? Aapne 6th mein bhi padha. Koi bachcha batana chahega mujhe what is motion? हाँ जी, आकृति बोलिए बेटा. नहीं बताना चाह रही? ओके, एनीवन एल्स? मोशन क्या है?
मूवमेंट। चलो और कुछ प्रॉपर डेफिनेशन करवाई हुई है मैंने? हाँ जी आकृति, बोलिए। यू आर नॉट ऑडिबल आकृति। नो बानी, वो बॉडीज की मूवमेंट जरूरी थोड़ी है। मैं अकेली मूव कर रही हूँ, वो क्या है? यस आकृति, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्लीज टाइप अ मैसेज। ओके ओके स्टूडेंट्स, यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, देन वी सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैंने आपके लिए ये पोजीशन मेरी चेंज हुई, आई एम इन मोशन। Got it? When an object, hanji, with respect to time, motion is change of position of an object with respect to time is called, or surroundings ke hisab se bhi, it is called motion. The object is said to be in motion. Do cheeze hoti hai. Either to the object is in motion, or the object is at rest. Object rest pe hai. When object is at rest, when there is no movement. When the object is not moving with respect to time. Aap apne ghar mein ghoom fir rahe ho, but for me, you are sitting there since the class has started. So you people are at rest for me. I am in motion because I am changing my position from here to there with respect to time, with respect to surroundings. Means I am in motion. Got it? Is this clear? तो आपने कितने सारे motions sixth class में पढ़े थे? Rectilinear motion, circular motion, periodic motion, oscillatory motion, rotational motion. You had read all these motions, ठीक है? हमने उनकी डिटेल में नहीं जाना, we will not go into their detail. हमने ज्यादातर इस क्लास में क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम करेंगे स्लो और फास्ट मोशन. मोशन समझ में आ गया? When the object changes its position with respect to time or surroundings, we say the object is in motion. Now, the motion can be, object's motion can be slow or it can be fast. Motion slow ho sakti hai, motion fast ho sakti hai. What is slow motion? Kya hoti hai slow motion? Can you tell me? एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये है स्टार्टिंग लाइन. ये दो बच्चे, तीन बच्चे खड़े हैं, चार खड़े कर लो जी. ये है एंडिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन. इनकी रेस है, ठीक है? इट इज देयर रेस. ओके, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम पे इनको बोला गया है गेट सेट मूव. दिस इट रीचेस फर्स्ट, दिस रीचेस सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. व्हाई दिस हैपन? ये फर्स्ट क्यों आया और ये फोर्थ क्यों आया? दोनों का डिस्टेंस सेम था, दोनों इकट्ठे चले. व्हाई दिस हैपन्स? Who is fast, Prerna? Why? Yes, Suhana, speed. Speed ka kya?
बच्चे जो फर्स्ट आया है इट हैज कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम, कम समय में उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है. मींस हिज स्पीड इज मोर, ही इज इन फास्ट मोशन. राइट, जो नंबर फोर पे है उसने सेम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर किया है. मींस ही इज इन स्लो मोशन, उसकी स्पीड कम है. लिखिए, एन ऑब्जेक्ट विच टेक अ लॉन्गर टाइम, एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज सेट टू बी स्लो. Whereas object which takes shorter time to cover the distance is said to be in fast motion. Got it? Itna clear ho gaya? Is this clear to all? Any doubt? Any doubt, you can raise your hands.